please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ हो सकता है। जब बात आतंक की हो तो बात जहन में सबसे पहले आती है उस इलाके की जो आतंकियों की सबसे मनपसंद जगह है, नाम है अफगानिस्तान। इसी महफूज ठिकाने में आसानी से सांस ले रहा है तालिबान, लेकिन दो रोज पहले अचानक उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ गई क्योंकि आसमान से अमेरिकी जहाजों से मौत बरसने लगी। काली सफेद तस्वीरों में तालिबान का कार, आसमान से बरसी तालिबान पर मौत, अफगानिस्तान में तालिबान पर हमला, ड्रोन की तस्वीरों से सामने आया सच। तालिबान के बढ़ते कदमों पर बारूद का पहरा, अफगान और अमेरिकी फौज की मिलीजुली कार्रवाई, अफगानिस्तान का फराह प्रांत, ये वो इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्सों में तालिबान की हुकूमत कायम है। सोलह मई 2018, फराह, अफगानिस्तान। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे तालिबान को अपने कब्जे वाली जमीन पर पांव रखने की जमीन नहीं मिल रही थी। वो भागा भागा फिर रहा था और मौत उसे ढूंढ ढूंढ कर अपना शिकार बना रही थी। तस्वीरें मंगलवार की रात की हैं, जब फराह सूबे के वीराने में बेखौफ घूम रहे तालिबान लड़ाके अचानक खौफ से थर्रा कर इधर उधर भागने लगे। एक पहाड़ी इलाके में रात के अंधेरे में दिखाई दे रही एक पगडंडी पर कुछ साए कतार में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तालिबान के लड़ाके हैं जिनके कदम फराह सूबे की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक स्क्रीन पर एक चमक पैदा होती है और धमाके की कालिख से स्क्रीन ढक जाती है। जैसे ही वो अंधेरा दूर हुआ तो स्क्रीन पर नजर आ रहे वो काले साए अचानक इधर उधर भागते दिखाई पड़ने लगते हैं। दरअसल खबरों का खुलासा यही है कि वो चमक और कुछ नहीं, अमेरिकी ड्रोन से गिराया गया एक बम था जिसके निशाने पर थे तालिबान के वो कमांडर जिनके निशाने पर था अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका जिस पर वो अपने लड़ाकों के दम पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन उनके मंसूबों की भनक अफगानिस्तान और अमेरिकी एजेंसियों को मिल गई। तालिबान के बढ़े कदमों को थामने की गरज से अमेरिका और अफगान एयरफोर्स ने मंगलवार की रात को ही हवाई हमलों की तैयारी की और ये तस्वीरें सामने आ गई। बताया यही जा रहा है कि तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के एक शहरी जिला और कई देहाती इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। अफगान एजेंसियों की माने तो फराह के शहरी इलाके में भारी गोलाबारी हो रही है। 9 मई 2018, दश्ते बारिज, काबुल, अफगानिस्तान। 9 मई को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर दो आत्मघाती हमलों से तहल उठी। आपकी टीवी स्क्रीन पर हाथों में AK-47 लिए गोलियां बरसाता जो आतंकवादी दिख रहा है, ये काबुल के पश्चिमी इलाके दश्ते बारिज का एक पुलिस स्टेशन है जिन पर तीन आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया था। इस हमले के दौरान
दो हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया और तीसरे को सुरक्षा बलों ने गोलीबारी में मार गिराया। 9 मई 2018 9:15 काबुल अफगानिस्तान। काबुल अभी पहले आतंकी हमले से संभला भी नहीं था कि शहर का दूसरा इलाका भी आतंकवादी हमले से दहल गया। इस बार आतंकवादियों के निशाने पर विदेशी दूतावासों के पास का एक पुलिस स्टेशन था। पुलिस और सेना की गाड़ियों के पीछे उड़ते धुएं का गुबार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। पूरे अफगानिस्तान में हाल के दिनों में तालिबान ने मौत का कहर बरपाया। एक के बाद एक हुए तमाम धमाकों ने पूरे अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। ये सच है, अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उत्तरी सीमा से लगे सरहदी इलाकों में इसकी तासीर कुछ ज्यादा है। वजह साफ है, क्योंकि इन इलाकों में तालिबान की हुकूमत चलती है। पिछले कुछ वक्त से अफगानिस्तान में तालिबान बेलगाम होता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तालिबान ने पिछले कुछ वक्त से अफगानिस्तान को बम धमाकों, आत्मघाती हमलों और अमेरिकी, नाटो और अफगानी फौज के खिलाफ सीधी जंग कर दहला रखा है। यह अफगानिस्तान की वो हकीकत है जो इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तान की शह पर तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में सर उठाने लगा है और हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मकसद है जो वहां पर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है, अफगानिस्तान में वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता है जो अगर भारत के साथ जंग होती है तो उसके पास पीछे जाने के लिए जगह, अगर जो जंग है उसके फेवर में नहीं जा रही है तो उसको पीछे जाने के लिए जगह मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान में 34 सूबे हैं और इन 34 सूबों में 3 करोड़ लोग रहते हैं। सिगार यानी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक अफगानिस्तान का महज 55.8% इलाका ही अफगानिस्तान सरकार के अधीन है। अफगानिस्तान के 14 सूबों पर आज भी तालिबान का ही राज चलता है। यह अफगानिस्तान के कुल इलाके का 4% है। खतरे की बात यह है कि तालिबान की मौजूदगी अफगानिस्तान के 66% हिस्से में है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के जिन इलाकों पर तालिबान का कब्जा है और जहां पर उसकी मौजूदगी है, उन इलाकों में अफगानिस्तान की आधी आबादी रहती है। यानी तालिबान की दहशत के साए में अफगानिस्तान के 1.5 करोड़ लोग रहने के लिए मजबूर हैं। हेलमंड सूबे के संजिन, मूसा काला और नादे अली इलाके 2014 से तालिबान के कब्जे में है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक साल 2014 में तालिबान के आतंकियों की तादाद 20,000 थी, जो जनवरी 2018 तक बढ़कर 60,000 जा पहुंची है। तालिबान ने अपने आप को नॉर्दर्न हिस्से में, वेस्टर्न हिस्से में और ईस्टर्न हिस्से में भी काफ़ी बड़े तौर पर स्थापित कर लिया है, लेकिन उनकी जो मौजूदगी है वो रूरल एरियाज में है। जहाँ तक टाउन्स एंड सिटीज हैं उसमें अभी भी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं। तालिबान के खतरे को देखते हुए अमेरिका पिछले 17 साल से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पिछले 17 साल से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना का एक बड़ा बेस भी बना लिया है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा कम नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने 15,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा नाटो फौज के भी 3,000 जवान अफगानिस्तान में तैनात हैं। सिगार के आंकड़ों के मुताबिक अफगान फौज में 3,52,000 फौजी हैं, अफगान नेशनल आर्मी में 1,95,000 और अफगान नेशनल पुलिस के 1,57,000 जवान हैं।
यानी तालिबान के आतंकियों से 6 गुना ज्यादा। आखिर क्या वजह है कि तालिबान के आतंकियों से 6 गुना ज्यादा तादाद के बाद भी अफगान फौज तालिबान को हरा नहीं पा रही? आखिर वो कौन है जिसकी सरपरस्ती में तालिबान मरने की बजाय फलने फूलने में लगा है, जबकि पूरी दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां तालिबान को पूरी तरह से साफ करने पर आमादा है? आइए आपको इन तमाम सवालों का जवाब भी दिए देते हैं। तालिबान के आतंकियों से 6 गुना ज्यादा तादाद होने के बाद भी अफगान फौज पूरे अफगानिस्तान को अपने अधीन नहीं कर पा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI और सेना। तालिबान पाकिस्तान की सेना की मदद से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर आज भी अफगानिस्तान में कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा है। एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ADD लॉन्ग वॉर जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान के 8 सूबों में अपने आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा है। फारियाब अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का इलाका है, जो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क तुर्कमेनिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, और तालिबान इस इलाके में इंतकाम गिराने एक कुरान और खालिद बिन वालिक नाम से आतंकी कैंप चला रहा है। कुंदूज भी अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा का इलाका है, जो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क तजाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। तालिबान इस इलाके में उमर बिन खताब और मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर नाम से आतंकी कैंप चला रहा है। कुनार अफगानिस्तान की उत्तर पूर्वी सीमा का इलाका है, जो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। तालिबान इस इलाके में खालिद बिन वालिद नाम से आतंकी कैंप चला रहा है। पख्तिया अफगानिस्तान की पूर्वी सीमा का इलाका है, जो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा से ही सटा हुआ है। तालिबान इस इलाके में शहीद उस्ताद आसिम नाम का आतंकी कैंप चला रहा है। साराए पुल अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर बसा हुआ एक इलाका है, जिसकी हद अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, और तालिबान इस इलाके में अबू दुजाना नाम से एक आतंकी कैंप ऑपरेट करता है। इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के पास के इलाकों में सलाहुद्दीन आयूबी, अल फारूक, अबू बकर सादिक, उमर फारूक और उमारी नाम के टेररिस्ट कैंप्स चला रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेशर दबाव बनाए रखना चाहिए, जो वो तालिबान को और या हक्कानी नेटवर्क को, अलकायदा को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे। SIGAR यानी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान। चूंकि पाकिस्तान तालिबान के कमांडरों और उसके आतंकवादियों को अपनी सरजमी पर पनाह दे रहा है, इसलिए अमेरिका, नाटो और अफगान फौज तालिबान पर लगाम नहीं लगा पा रही है।